इस वक्त मौजूद है केगरा टाउन के अंदर, जो कि सफर बहुत है, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर है। और हम ट्रैवल के बहुत ही शौकीन है। सुबह हमने 6:30 बजे ट्रैवल शुरू किया, बाइक राइडिंग करते हैं, और आज राइडिंग करते करते हम शकरगढ़ से पहुंच गए किंगरा, जो कि 35 अराउंड 4 किलोमीटर बनता है। अभी बच गए हैं कुछ सामानों, भूख भी लग गई है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आया लाहौरी मटन चने, बोंक पाए, सारा नाश्ता है इनके पास करेंगे नाश्ता, और साथ में आपकी थोड़ी सी इसकी लोकेशन भी गाइड करता हूँ। अगर आप जफरबाद वाली साइड से आ रहे हैं तो जफरबाद से जो किंगरे का रास्ता है वो 7 से 8 किलोमीटर, तमाम का तमाम रास्ता बहुत ही ख़राब है, टूटा फूटा रास्ता है, सड़क कहेंगे तो नफ्का नामो निशान भी नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको थोड़ा कवर करके आना पड़ेगा, कि मास्क वगैरह लगा के आए, मुँह अपना लपेट के आए, मतलब कि सिर मुँह लपेट के आते आना, वरना आप पूरा मट्टी से नहा लें। तो मुझे थोड़ी सी देर आते हैं कि मैं नहा लूँगा। के पास चलते हैं और उसके नाश्ते में क्या कुछ है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। अच्छा, पहले तो यह दसो ना कि नाश्ते से की कुछ है थोड़े कोल? थोड़ा नाश्ते सर साडे कोल मुर्चे ने, अंडा चने, कोफ्ता चने, पाए, चावल, हलवा पूड़ी। चने जड़े ते केड़े चने बनांदे खोए वाले? की इनदा होया है कुछ? अच्छा, इनदा च की पाने है ते खैर हर बंदा नहीं समझ सकदा। अच्छा, कोफ्ता वगैरह चने भी हैं? कोफ्ता चने, अंडा चने, मुर्ग चने। मुर्ग चने तो मुर्ग कितने को दिखाऊं, कोई बोटी मुर्ग दी भी पाए ने बड़े पाए ना। वाह, चावल भी हैं ना। अच्छा, मैं यार सोच रहा था रेट की ना, अरे मुर्ग चने का की कितना प्लेट दी? अरे मुर्ग चने 400 रुपए की प्लेट है। ठीक है, अगर बिच कोफ्ता डलवा लिए तो? कोफ्ता 210 रुपए की प्लेट है, वैसे रेगुलर चने खाली चने 150 रुपए की प्लेट है। और बिच जिन्नी चीजें तुसी अगर कोफ्ता पा ले ओदा रेट थोड़ा ऊपर हो जाएगा। पाए किस तरह? पाए 600 रुपए दा प्याला है। 600 रुपए दा प्याला ते हलवा पूरी मौजूद है? हलवा पूरी किस तरह भला? सर 650 रुपए किलो। पूरी 60 रुपए दी? पूरी 60 रुपए दी, नाल चने दे होगे, नाल हलवा दोगे? अच्छा सर, टाइमिंग की है कितने बजे स्टार्ट? टाइमिंग सर सुबह फजर दिन मास लैके तकरीबन शाम 4:30 बजे। ठीक है, ते वैसे कितना खर्चा होगा तुम्हें काम करते दुकान पे? तकरीबन 3 साल। 3 साल हो गए मतलब कि अच्छे ने पा दियो जी। ऑर्डर हमने इनको दे दिया और अभी चल के बैठते हैं। ये है इनका सिटिंग एरिया, यहाँ पे बैठ के करेंगे नाश्ता। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फैमिली के बारे में बताया, तो उसके लिए भी उन्होंने इंतजाम किया है पीछे कपड़े का इंतजाम, फैमिली को आप लेके इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। ये जी नाश्ता हमारा आ गया, ज़बरदस्त किस्म की पूड़ियाँ, बहुत ही क्रिस्पी चने और साग कोफ्ता, और कुलचे जो हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये ज़बरदस्त सा हलवा, और उसके ऊपर साथ छोटे छोटे मुरब्बे भी डाले हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आज पहले स्टार्ट लेंगे हम हलवा पूरी से, पूरी चने, और ये पूरी मुझे लग रही है मैदे और आटे की मिक्सचर, क्योंकि इसके अंदर कुछ रेडनेस है बहुत से ज़्यादा, टोटली मैदे वाली लग रही है। पहले एक बाइट हम चने की सिंपली करेंगे पूरी के साथ। इन्होंने ऊपर गरम मसाला, जीरा शीरा काफ़ी स्प्रिंकल कर दिया, उसका एक बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है। साथ ही बाइट टेस्ट कर ये हलवा और ये खुनी। मगर पूरी और कोफ्ते का एक तरह बाइट टेस्ट करना चाहता हूँ, मोस्टली ये वाला कॉम्बिनेशन नान के साथ होता है। चिकन का कोफ्ता और अगर कोफ्ता चने के साथ भी पूरी को टेस्ट करेंगे तो बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। अभी नान चने ट्राई कर लेते हैं। काम कर
तो चनों का टेस्ट काफ़ी मुख्तलिफ है जो हमारे इलाके के चने शक्करगढ़ के या इवन हमने जफरबाल के नारवाल के चने टेस्ट किए, ये टोटली डिफरेंट टेस्ट है, मतलब के बिल्कुल। और यहाँ पे चने जो बड़े साइज वाले हैं, मोस्टली छोटे लोग चने पकाते हैं, चनी जो होती है वो, लेकिन ये चने हैं, चने असली फॉर्म में बड़े बड़े वो पहले पकाए हुए हैं, और उसकी वजह से उनका गला टेस्ट भी मतलब मुख्तलिफ होता है। अभी कोफ्ता चने की एक बाइट टेस्ट करते हैं। चने के अंदर गर्म मसालों का बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है, मैंने कहा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा। तब कितने नंबर देंगे इसको खाने के? नाश्ता ये जो एक एवरेज है, और इस नाश्ते को मैं दूंगा 6 out of 10। कोफ्ते की बात करें अगर तो कोफ्ता इनका सॉफ्ट है सबसे ज़्यादा, जो कि अमूमी तौर पे हार्ड होता है, लेकिन इनका कोफ्ता बहुत सॉफ्ट है। पूरी पूरी आटे और मैदे की मिक्स है, इस वजह से बड़ी अच्छी है, जैसे खाली मैदे को लचीली हो जाती है, रबड़ कहने में से बाकी एवरेज काम है। बाकी आप कुछ समझ सकते हैं 6 नंबर का तरीके से। अभी नाश्ता फिनिश करते हैं और फिर चने के दूसरे नाश्ता पार्टी का। लेकिन नाश्ता हमारा फिनिश हो गया, लोहरी मुर्ग चने एंड पाए किंगरा के अंदर। नाश्ता जो हमने पहला नाश्ता किया उसका हमारा बिल है सिर्फ 390 रुपये, जिसके अंदर 2 नान है, हाफ चने हैं, कोफ्ता है, हलवा पूरी है, एक अच्छा पैकेज है और पैसे भी बड़े मुनासिब हैं, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। अभी दूसरा नाश्ता पार्टी जाना चाहते हैं। ये आ गया जी चौराही, ये आ गया दूसरा नाश्ता पॉइंट चौराही, और यहाँ पर चलते हैं और इनसे कुछ ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, या पहले से जरा नाम सुनो अपना। मैं सुरूप भाई ने नाश्ते से की कुछ है थोड़े को दसो। चने मुर्गा अंडा कोफ्ता चने जरा दिखाओ जरा थोड़ी कढो बाहर आओ ते रेट शेड की ना चने ते सा दे रे पैसा चने 150 दिते पाए पाए क्या पाए कड़े बड़े ना 20 बड़े चावल भी आना थोड़े को तुसी इस तरह करो सानू पाए दियो ते नाल कुलचे मैं तो ओकर कुलचे लो आने तो सब ना पाए पाए ठीक है जी। सबसे मुझे अच्छी जो बात की ये लगी है कि चार पाइयाँ लगी हैं, आराम से बैठने हैं, बिल्कुल इसी झटका माहौल है, और यहाँ पर बैठ के पाए भी नहीं इंजॉय करेंगे, लेकिन अच्छा ये लगा कि बैठने का मज़ा आ गया, मतलब कि तुम थक जाओ तो ना ही लगे और जब तक हमारा नाश्ता आ रहा है मेरे ख्याल तब तक हम थोड़ा लेट लें लक्ष्यता कर लिए, काफ़ी लंबी बैठ से आते हैं थक गए हैं ऐसे रेस्ट करें, फिर जब नाश्ता आ गए तो बैठते हैं नाश्ता करें तो मज़े का माहौल है। ये होटल अच्छा लगा मुझे आपने ट्राई तो रहे किंगरा के अंदर है चौराही नाश्ते वाले, ज़बरदस्त माहौल है। दोस्तों हमारा ऑर्डर आ गया, पाए आ गए हैं ज़बरदस्त कुलचे और साथ उन्होंने रायता दे दिया, लेकिन ये दोनों चार पाइयाँ जोड़ के इसको रखा यहाँ पे, थोड़ा एहतियात के साथ आपको खाना पड़ेगा क्योंकि ज़रा सा बैलेंस बिगड़ा तो पाए चाहे सारा कुछ रुड़ जाने ना, इससे पहले कोई काम पड़ जाए हमसे इसे स्टार्ट किया जाए फटाफट खा। और ये जनाब पाए की वाइट हमने बना ली है, जैसा देसी माहौल है और उसका जायका इतना ज़बरदस्त, पहली बाइट के अंदर ही अगर मैं इसे अभी रेटिंग दे दूँ इसकी रेटिंग होगी 8 out of 10, ज़बरदस्त टेस्ट है।
लेकिन मुझे मजा आया। ये जी वाइट हो गई रेडी और अगर आप किंगरा आते हैं तो चुराही वालों के पाए खाना नहीं बाकी टेस्ट हम वीडियो बंद करो तो पाए मुखाइए होंगे बहुत टेस्टी खाऊ। बहुत मजा आया पाए तो बहुत खाते हैं लेकिन थोड़े पाए का बहुत टेस्ट आया ये इंशाल्लाह जो दोबारा किंगरा आएंगे फिर हम टेस्ट करेंगे ये आज वास्ते नहीं अल्लाह हाफिज़ बहुत शुक्रिया जी बहुत मजा आया ठीक है दोस्तों। दोस्तों चुराही होटल वालों के आपकी थोड़ी लोकेशन में गाइड कर दूं, ये मेन रोड है जो किंगरा जफरवाल वाली साइड से आ रहा है। अगर आप जफरवाल वाली साइड से आते हैं तो पहले ही आएगा ये चुराही होटल और बाकी जो दूसरा वाला होटल था लोहरी वो उससे आगे है। तो आप मेरे ख्याल फर्स्ट वाले पे ही ब्रेक लगाएं क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये जो आउटरो है ये मैं खाने के बाद कर रहा हूँ, मतलब कि खाने के बाद बता रहा हूँ आपको सारी बात पे एक अच्छा टेस्ट है। बाकी पाए का ख़ास तौर पर बहुत अच्छा टेस्ट है। अभी हमें इजाज़त दें किंगरे से, हम जा रहे हैं वापस और हमारे चैनल को पेज को सब्सक्राइब करें फॉलो करें और दुआओं में याद रखें अपने शेख फैमिली वाले को। अल्लाह हाफिज़।